ये स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे हर्शी एंड चेज एक्सपेरिमेंट की। हर्शी और चेज एक्सपेरिमेंट मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस आपका जो चैप्टर है जेनेटिक्स में, वहाँ से ये टॉपिक है। तो हर्शी एंड चेज एक्सपेरिमेंट या बैक्टीरियोफेज एक्सपेरिमेंट भी इसको बोलते हैं। आइए देखते हैं इसमें क्या टॉपिक है। ठीक है, हर्शी एंड चेज एक्सपेरिमेंट भी इसको बोलते हैं, एंड दिस इज ऑल्सो कॉल्ड बैक्टीरियोफेज एक्सपेरिमेंट। बैक्टीरियोफेज क्या होता है? जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं वायरस, उनको बोलते हैं बैक्टीरियोफेज। तो यहाँ पे चेक ये करना था इस एक्सपेरिमेंट से कि जेनेटिक मटेरियल बैक्टीरियोफेज का जो बाहर का कवर है प्रोटीन कोट, वो है या अंदर का डीएनए। तो इसके लिए इन्होंने क्या किया, इसके लिए इन्होंने लेबल कर दिया। ठीक है, इन्होंने लेबल कर दिया पहले बाहर के प्रोटीन कोट को। ये देखिए, बाहर के प्रोटीन कोट को रेड कलर से लेबल कर दिया S35, लेकिन अंदर कुछ आपको रेड कलर दिखाई नहीं दे रहा है। इसका मतलब प्रोटीन कोट की वजह से हेरिडिटी नहीं है या इनहेरिटेंस मटेरियल वो नहीं है। वहीं दूसरी बार में इन्होंने लेबल किया डीएनए को लेबल किया इन्होंने P32 से। किससे लेबल किया? P32, क्योंकि फॉस्फेट ग्रुप डीएनए में होता है। तो देखिए, अंदर रेड कलर का आपको यहाँ रेडियो एक्टिविटी दिखाई दे रही है। इस एक्सपेरिमेंट से हर्शी एंड चेज ने प्रूव किया कि जो जेनेटिक मटेरियल है या जो ट्रांसफॉर्मिंग मटेरियल है, जो एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में ट्रांसफर हो रहा है, दैट इज डीएनए, नॉट द प्रोटीन। ऑल द वेरी बेस्ट। समझ में आया?